आप सुन रहे हैं सहर कामिनी खन्ना के साथ सिर्फ बिग एफएम पर। ओम अंगारकाय नमः। संतुलित दिमाग स्वस्थ शरीर का प्रतीक हो सकता है और स्वस्थ शरीर संतुलित दिमाग। संतुलित दिमाग रहता है गणेश जी की आराधना करने से, और अंगारकाय नमः गणेश जी को ही नमन किया है मैंने मंगलवार के दिन। कहा जाता है कि संतोष जैसा कोई सुख नहीं है और लोभ जैसी कोई बीमारी नहीं है और दया जैसा कोई पुण्य नहीं है। मैं कामिनी खन्ना, मंगलवार के दिन आप सभी प्यारे प्यारे श्री गणेश जी के आराधकों का स्वागत करते हुए इस दिन की आपको देती हूँ मंगल शुभ बधाइयाँ। आज 28/11/2017 मंगलवार है। चंद्रमा कुंभ राशि में सुबह 11:14 तक, उसके बाद मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। नक्षत्र है पूर्वा भाद्रपदा शाम 5:20 तक। आज के मुहूर्त है सुबह 11:04 से लेकर दोपहर 12:26 तक लाभ, दोपहर 12:26 से लेकर दोपहर 1:49 तक अमृत, और दोपहर 3:11 से लेकर दोपहर 4:33 तक है शुभ। जैसे ही भय आपके करीब आने लगे उस पर अपने विचारों का आक्रमण कीजिए और उसे भगा दीजिए। अब आप कहेंगे कौन से विचारों का? सकारात्मक यानी कि पॉजिटिव विचारों का आक्रमण करके अपने भय को भगा देना चाहिए। मैं कामिनी खन्ना एक भयहीन जीवन की साझेदार होने के लिए हो लेती हूँ आप सभी के साथ सहर कार्यक्रम में। शुभकामनाएं लेकर आप सभी के लिए शुभ मंगल कामनाएं। गुड मॉर्निंग एंड वेरी 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 गुड मॉर्निंग। आइए जानते हैं मेष से लेके कन्या राशि तक का राशि भविष्य। चंद्रमा कुंभ राशि में सुबह 11:14 तक, उसके बाद मीन राशि में। लेकिन आज जो राशि भविष्य हम जानेंगे वो ऑल ओवर जो ग्रह बैठे हैं उनके हिसाब से। मेष राशि। मेष राशि के लिए चतुर्थ में राहु माता की तबीयत की चिंता, और षष्ठ में मंगल विरोधियों का सामना, शुक्र और गुरु के एक साथ होने का समय अब खत्म हुआ और अभी तो एंजॉय करना है आपको बुध की स्थिति को जो के आपके व्यवसाय को बढ़ा रही। वृषभ राशि। वृषभ राशि के लिए अब चर्चा करें हम गुरु की जो षष्ठ में बैठे हुए हैं, तो विरोधियों का सामना, पेट से रिलेटेड परेशानी, और जो मंगल महाराज खसकने वाले हैं आगे उसकी बधाई दूंगी मैं आपको, क्योंकि आपका माइंड जो है वो रिलैक्स होगा। मिथुन राशि। आपके साथ जो मंगल महाराज की अनिठनी हुई है और जो तबीयत आपकी खराब हुई उससे अब मुक्ति मिलने वाली है आपको जल्द ही, और आप काफी रिलैक्स फील कर रहे हैं बुध के सप्तम में आने से भी। कर्क राशि। कर्क राशि के लिए चतुर्थ में बैठा गुरु आपको घर से रिलेटेड सपोर्ट दिलवाता है, काम में भी बढ़ोतरी देता है और आपकी माता की तबीयत की चिंता भी देता है। अब बुध के षष्ठ में आने से प्रेम संबंधों में सुधार आता है। सिंह राशि। सिंह राशि के लिए अब बुध के खसक जाने से धनु में आप सही सोच पाते हैं, लाभ होता है पैसे का, और जो गुरु बैठे हैं उसकी वजह से आपकी जो लेजीनेस है वो दूर नहीं हो रही, तो गुरु क्या समझाते हैं आप योगा एक्सरसाइज वगैरह शुरू कीजिए। कन्या राशि। कन्या राशि के लिए आपके लिए जो बुध महाराज चतुर्थ में खसक कर आपको अपने कार्य से रिलेटेड कई लाभ दिलाते हैं, और जो स्थिति बनी हुई है राहु और केतु की उससे धन लाभ हो रहा है, और जो सूर्य महाराज आपके वृश्चिक में आए उससे उत्साह और पराक्रम बढ़ा है। समय होता है राजा और समय होता है बलवान, वही अर्जुन वही बाण। लेकिन समय समय करके इंसान बैठ तो नहीं सकता ना, अपने कार्य तो नहीं छोड़ सकता। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस कर ही तस फल चाखा। मैं कामिनी खन्ना शुभ कर्मों को सपोर्ट करते हुए इस सुबह में आप सबको देती हूँ सहर कार्यक्रम में ढेर सारी बधाइयाँ। गुड मॉर्निंग। आज की सुबह आपको अत्यंत शुभ जाए ऐसी मेरी मनोकामना। और आइए जानते हैं तुला से लेके मीन राशि तक का राशि भविष्य। तुला राशि। लग्न में बैठे गुरु की चिंता मत कीजिए और महालक्ष्मी की आराधना कीजिए। राहु जो कर्म स्थल पर बैठा आपका काम रुक रहा है उसको दूसरी तरफ ले जाइए, और आप मीडिया से रिलेटेड काम बनाइए तो काम बदलेगा, तो राहु सपोर्ट करेगा। इसके साथ ही जो मंगल प्रेम संबंधों को खराब कर रहा था वो अब खसक के आने वाला है लग्न में, तो गुस्सा मत कीजिएगा। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के लिए अब जो है लग्न में बैठा बुध खसक गया और आप काफी रिलैक्स फील कर रहे हैं, वैसे भी आपकी तबीयत
और आपका पेट ठीक हो गया। आप लीफी वेजिटेबल्स खाइए ताकि आपका पेट और अच्छा हो। इसके साथ ही जो राहु ने आपका भाग्य रोक रखा है उसको उजागर करने के लिए खूब सारा पानी पीजिए, और गुरु ने जो प्रेम संबंधों को बिगाड़ा है, विदेश रिलेटेड यात्राओं को भी, उनको भी सुधारने के लिए महालक्ष्मी पूजन कीजिए। धनुराशि, धनुराशि के लग्न का स्वामी गुरु अभी अस्वस्थ एक ऐसे घर में जहाँ उसकी बढ़ोतरी नहीं हो रही, और इसीलिए गुरु तत्व को उजागर कीजिए, कुछ गुरु के उपाय कीजिए जैसे मैं बताती रहती हूँ अपने अंतिम छोर में इस शो की, आपको सुनने चाहिए वो। और जो मंगल बैठा है दशम में वो कार्य तो बनाता है लेकिन आधे अधूरे, वो अब खसक के आके जाएगा तो काफी रिलैक्स फील करेंगे आप। कुंभ राशि, कुंभ राशि के लिए अब मंगल के खसकने से आगे आप काफी रिलैक्स फील करने वाले हैं, और आपके जीवन में जो उथल पुथल मची हुई है अपने भाग्य से रिलेटेड परेशानियों को लेकर वो खत्म होंगी। आपको जो पैसे की भी चिंता थी वो भी अब खत्म होने जा रही है, खर्चे बढ़ेंगे। मकर राशि, अब जो है मंगल महाराज अष्टम से निकलकर आपकी तबीयत को छोड़ेंगे और आप एक हेल्दी जीवन फिर से बिता पाएंगे। आपके पराक्रम बढ़ेगा, उत्साह बढ़ेगा, छोटे भाई बहनों से आपकी बनेगी। मीन राशि, मीन राशि के लिए आप काफी रिलैक्स फील कर सकते हैं अपने पत्नी पार्टनर स्पाउस के संबंधों को, और जो बच्चों से आप नाराज हैं उनको अच्छी आदतें डालने की कोशिश कीजिए। और गुरु की स्थिति यहाँ पर आपका साथ नहीं देती तो अपनी तबीयत का भी ध्यान रखें, थकावट आपको हो सकती है। प्रार्थना करने का मन किया मेरा और बाबा नानक याद आ गए मुझे, हे मेरे सतगुरु जी मुझे कोई पूजा पाठ अरदास नहीं आती, मैं आपकी शरण में हूँ। तो ऐसे शरण में रहकर बच्चा बन जाना चाहिए भगवान का। आइए फिलहाल मैं आपको बता रही हूँ आज के वार मंगलवार, उसके अधिपति ग्रह मंगल की रचना, जैसे कि वो आसमान में नजर आते हैं लाल और स्वभाव से उग्र, वो आपके जीवन में होते हैं शासक वर्गों में, नौकरी में, आपके ब्लड में, छोटे भाइयों में या बड़े भाइयों में, और न जाने कहाँ कहाँ पराक्रम में, साहस में उनका निवास होता है। तो चलिए मंगल ग्रह का उपाय जानते हैं। कहा जाता है कि मंगल ग्रह को शांत करने के लिए आप कर सकते हैं थोड़ी लाल मसूर का दान, या आप श्री गणेश जी को ये लाल मसूर चढ़ा सकते हैं। अब मैं इससे ज़्यादा इस बात में बिलीव करती हूँ कि आप लाल चीज़ों का सेवन कर लीजिए, जैसे गाजर, टमाटर, इन चीज़ों को खाइए आप नित्य जीवन में, तो अपने आप आपके ब्लड की बढ़ोतरी होगी और मंगल की बढ़ोतरी हो जाएगी, तत्व बढ़ जाएगा आपके शरीर में और आप बेटर फील करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूंगी इसी कार्यक्रम में और किसी वार उसके अधिपति ग्रह और उसका उपाय बताने के लिए। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, धन्यवाद और नमस्कार। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय।